मोहब्बत के पाक होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो उससे निकाह करो। पर्दा नज़र का होता है, इस सोच ने आधी इंसानियत को बरहना कर दिया है। मुआशरे की इज्जत औरत की शलवार और चादर से मंसूब करके मर्द खुद इज्जत लूटता फिरता है। मोहब्बत अगर हकीकत है तो किसी बदसूरत से क्यों नहीं होती? क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब है? मर्द जब औरतों के हकूक से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो उसे आज़ादी का नाम देते हैं। मर्द की गैरत का मयार ये है कि वो जिस औरत से प्यार करे उसके अलावा किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। भला मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा? हर औरत वैश्या नहीं होती, लेकिन हर वैश्या औरत ही होती है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। मुझे औरत के जज्बाती और बेवकूफ़ होने से इनकार नहीं, लेकिन जिस दिन औरत को अकल आ जाती है उस दिन बाकी सब की अकल ठिकाने लग जाती है। मेरी दुआ है कि किसी मासूम औरत के ख्वाब कभी किसी गम ज़र्फ़ के मोहताज ना हों। लोग कहते हैं कि औरत वफा नहीं करती, लेकिन अगर औरत वफा ना करे तो दुनिया में कोई रिश्ता ही कायम ना हो। औरतें कितनी जालिम होती हैं, ख़ास तौर पर बूढ़ी। ज़ख्म ताज़ा हों या पुराने, मज़े ले लेकर कुरेदती हैं। जो औरत तुमसे सच्चा प्यार करती है वो तुमसे कभी ना कभी ये दो बातें ज़रूर पूछेगी। पहली बात ये कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती हूँ, और दूसरी बात ये कि मुझसे पहले तुम्हारी ज़िंदगी में कोई था या नहीं। एक औरत की सबसे बड़ी गलती कि वो कितने ही साल ज़ाया कर देती है कि शायद बंदा बदल जाए।